हेलो फ्रेंड्स, मैं साक्षी वर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई रेसिपी मूंगलेट बनाने की। तो दोस्तों, बड़ी ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके घर पे मूंग की दाल को पसंद नहीं करते हैं तो आप यह रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चे और बड़े बहुत ही पसंद करने वाले हैं इसको। तो दोस्तों देखिए, बड़े ही मुलायम से बनते हैं। तो दोस्तों चलिए, बिना देरी किए अब हम इसको बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग एक कप दाल ली है, ये मूंग दाल है धुली हुई, और इसको हम एक घंटे के लिए पानी में रखने वाले हैं ताकि ये फूल जाए। तो मैंने एक घंटे बाद देखा यह बहुत ही अच्छे तरीके से फूल गई है, ये देखिएगा। तो अब हमें इसको करना है ग्राइंड। तो ये वाला पानी निकाल देते हैं और आधा कप पानी मैंने इसमें और डाला है। तो दोस्तों देखिएगा, हमें इस तरीके का बैटर तैयार करना है, ऐसा होना चाहिए। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बड़े बर्तन में। तो बड़े बर्तन में इसलिए निकाला है ताकि हम इसको फेंट सकें। तो हमें लगभग इसको 3 से 4 मिनट तक फेंटते रहना है लगातार। फेंटने से मूंगलेट बड़े ही अच्छे से बनते हैं इसलिए। तो दोस्तों, फेंटने के बाद मैंने एक कटोरी ली है और इसमें मैं आधा बैटर निकाल रही हूँ और आधा बैटर हम बचा कर रख देंगे। तो मैंने आधा बैटर इसमें निकाल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ कटा हुआ प्याज, और साथ में हम डाल देते हैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। देखिएगा दोस्तों, और हरा मिर्च डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा, कम या ज़्यादा जैसा आप पसंद करते हैं। और एक चम्मच नींबू का रस डालेंगे इसमें, और इन सबको डालने के बाद हम इसको मिक्स कर देते हैं। और दोस्तों, मैंने इसमें चुटकी भर हींग भी डाली थी, ये देखिएगा। तो इनको डालने के बाद अब 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे इनो डाला है, और 2 चम्मच इसके ऊपर डालते हैं पानी ताकि यह एक्टिवेट हो जाए। और इसको हम करते हैं मिक्स। यह प्रोसेस आपको बड़ी ही जल्दी से करना है। तो दोस्तों, कढ़ाई मैंने पहले ही गैस पर रख दी थी और उसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी भी डाला था, तो वह अब तक गर्म भी हो गया है। तो चलिए, हम इसमें जो ये बैटर हमने तैयार किया था इसको डालते हैं। आप चाहें तो बटर का यूज़ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, कुछ तो यह फैल गया है और कुछ को हम चम्मच की मदद से फैला देते हैं। इसको गोल शेप में फैला दिया है मैंने। तो इसके ऊपर मैंने चुकंदर के कुछ पीसेस डाले हैं और हरी मिर्च के पीसेस भी डालते हैं, और मैंने अदरक के पीसेस भी डाले हैं। दोस्तों यह बिल्कुल ऑप्शन है, आप चाहे तो मत भी डालिएगा, यह ऑप्शनल है बिल्कुल। तो चलिए, इसको ढककर रख देते हैं। गैस को हमें लो फ्लेम पर ही रखना है इसको पकने तक। तो देखिए, कुछ तो यह पक गया है, थोड़ा सा इसको हटा कर देख लेते हैं। देखिएगा, बड़ा ये अच्छा प्यारा सा कलर आया है दोस्तों। और इसमें हम पहले लगाते हैं हल्के हल्के से कट। तो ये कट हम बहुत ही हल्के हाथों से लगाने हैं, इनको बिल्कुल अलग नहीं करना है, बस ऊपर ऊपर से हल्के कट लगाने हैं। और इस पर देसी घी डाल रहे हैं, और देसी घी डालने के बाद अब हम इसको पलट देंगे। और अब हम इसको बीच बीच में पलट कर ही पकाना है। तो इसको जल्दी जल्दी आप पलटते रहिएगा और पकाते रहिएगा। मैंने इसको हल्का दबा भी दिया है, ये देखिएगा, मैं इसको पलट रही हूँ। तो अब इसको पकने के बाद हम इसके पीसेस को अलग कर देते हैं। तो मैंने इसके पीसेस अलग कर दिए हैं, और अब हम इनको निकाल लेते हैं सर्विंग के लिए। तो ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा मूंगलेट बनकर तैयार हो गया है। बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा कलर भी आया है इसके साथ। तो दोस्तों, आप चाहें तो इसे सॉस के साथ खा सकते हैं, या ग्रीन चिली सॉस के साथ भी खा सकते हैं। यह सबके साथ बड़ा ही अच्छा लगने वाला है दोस्तों। और दोस्तों, आप यह रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और देखिएगा, बड़े ही मुलायम से बनकर तैयार हुए हैं, ये आसानी से टूट गया। तो दोस्तों चलिए, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। बाय।